दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल इंटरप्राइज में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 25। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन ग्लाइस। तो पिछले ही एपिसोड में हम जाते हैं अपने जोटो लीग के लिए, जहां पे हम फोर इलाइट्स को चैलेंज करते हैं और उसके बाद फाइनली चैंपियन को हरा के हम जोटो रीजन के भी चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद हमें एक बंदे का फोन आता है, जो वो होता है वो टीम फ्यूजन की मतलब जो लेडी है उनका सन होता है, उनका फ़ोन आता है। वो बोलते हैं भाई कि तुम हमें एवरग्रीन सिटी में आके मिलो। तो अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट रीजन के लिए। दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सात दोस्तों पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है क्रोकोडाइल। तो सबसे पहले आंसर दिया है एनिमे एडिट्स ने, फिर दिया तुषार भाई ने, फिर दिया सुपर बूट गेमर ने, फिर दिया स्पाई गेमिंग। दोस्तों ये वो डी पोकेमॉन आर्ट फैन थे जिनने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमॉन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो क्योंकि स्क्रीन पे आने वाला। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, हमें अब टेलीपोर्ट करना है। मुझे मत पूछना कि मैं जोटो रीजन में पहुँचा कैसे, वो जोटो लीग के अंदर अभी फिलहाल बस पहुँच गया। अब हम पहले एवरग्रीन सिटी की तरफ जाएंगे। यहाँ से मेरे हिसाब से उसने कहाँ कहा था आने के लिए, नीचे की साइड बोला होगा आने के लिए, क्योंकि हमें शिप वगैरह पकड़नी होगी जाने के लिए। यहाँ से पहले हम प्लेन में गए, अब हम शिप में जाने वाले हैं। तो ये रहा अपना फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली हम आ चुके हैं। तो अभी हमें बताएगा कि हम नेक्स्ट रीजन के लिए जाने वाले हैं, जहाँ पे हम फिर चैंपियन बन जाएंगे। तीन तीन रीजन्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वही बात है कि हम नॉर्मली अपने सारे पोकेमॉन पीसी में शिफ्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हम नए पोकेमॉन पकड़ें, और जो लेवल बहुत ज़्यादा कम है उनके लेवल में गेन करने की कोशिश करूँगा मेनली, ताकि हम शुरुआत से मतलब शुरुआत कर सकें। क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ कि हम दोबारा से एक बार शुरू करते हैं, बस इसमें हम इन्फर्नैप को रख लेंगे, क्योंकि भाई एक मेन पोकेमॉन तो होना चाहिए, बाकी हम नए पकड़ लेंगे या फिर जो पुराने मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ पकड़े थे उनको हम यूज़ कर लेंगे, कुछ पोकेमॉन वहाँ से कुछ हम नए ले लेंगे। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टिकट लेनी पड़ेगी अगर हमें अपना ओशन आइलैंड्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकलते हैं आगे। ओके, यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आई हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये यहाँ की प्रोफेसर हैं। हाँ, ये प्रोफेसर हैं यहाँ की, और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ उनकी लैब में जाएं और वो हमें अपने पहले पोकेमॉन दे सकते हैं इस रीजन के चूज़ करने के लिए। ठीक है, एक फ्री में पोकेमॉन मिलता है तो हम क्यों ना लें, हम चलेंगे और देखते हैं भाई क्या सीन बनता है यहाँ से। और मैं कोशिश करूँगा कि सारे पोकेमॉन पीसी में ट्रांसफ़र कर दूँ और सिर्फ वही पोकेमॉन रखूँ जो हमें चाहिए। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें लेके जा रही हैं लैब कहाँ है इनकी। ओके, ये रही इनकी लैब, चलो एंटर कर जाते हैं हम लोग। तो देखते हैं भाई इनके पास पहले पोकेमॉन है कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कि हम स्टार्टर पोकेमॉन ले सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल पे पड़े हैं, जाओ चूज़ कर सकते हो, जाओ। ठीक है, पहले हम चूज़ करेंगे। चलो ठीक है, कौन सा यहाँ पे स्नाइवी। ओके, और नेक्स्ट टैपिक होगा उसको ऑशोवर्ड। हाँ, ये टैपिक है और उसके बाद आएगा ऑशोवर्ड। ओके, ऑशोवर्ड आ गया। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने पीसी की साइड और सारे पोकेमॉन ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। यार अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोशिश करेंगे पुराने पोकेमॉन्स का थी लीग जीतने की। इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया भाई, अच्छा खासा हमने बहुत अच्छे बैटल जीती इनसी। तो ये रहे हमारे पोकेमॉन अभी के लिए, जो हमने अभी तक मतलब यूज़ भी नहीं किए हैं कुछ, तो जैसे कि ड्रैगनाइट अपना ड्रैगनियर हो गया और वो टोकी प्री बेकार सी। तो यहाँ पर हमने ऑशवर्ड ले लिया, ये पक्का स्नाइवी लेगा, इसने टैपिक लिया। अच्छा है, ये हम इसका ऑपोजिट ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने। हमें फाइनली टिकट मिल चुकी है और हम दोनों अब जा सकते हैं आगे की तरफ। चलो यार चलते हैं। यहाँ पे लीडर्स वगैरह मुझे नहीं पता कि कितने टोटल यहाँ पे बैचेस होने वाले हैं और कितने इनको चाहिए। मेरे से फोर चाहिए शायद, हाँ शायद फोर चाहिए हमें, फोर बैचेस। और उसके बाद जिसमें बिल्कुल ऑरेंज लीग जैसा ही है ये भी, कि कम बैचेस हैं पर हाँ हम एक और लीग जीत सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर की साइड चलते हैं। हमने वैसे भी अपना पोकेमॉन रख लिया है, अभी हमारे सिर्फ दो पोकेमॉन करंटली अपने पास हैं। देखते हैं क्या सीन बनता है, नीचे की साइड से निकल जाते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से हम शिप लेंगे और सीधा निकल जाएंगे अपने सिटी के लिए या आइलैंड के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो बिना टिकट के हम जा नहीं सकते हैं। एक मिनट, जोटो रीजन वापस जा रहे हैं हम लोग, पर क्यों, टिकट है तो मेरे पास, लगता है ये वो था ही नहीं जिससे हमने जाना था, साथ में भी एक बंदा खड़ा, शायद वो हमें लेके जाए। चलो मैं दोबारा बात करता हूँ, एक बार प्लान जोटो रीजन पहुँच जाएँ दोबारा। जोटो रीजन वापस आ गया, वापस चलते हैं। चलो हमें वापस ले जाएँ जहाँ से हम आए थे, चलो अब जल्दी पहुँच जाएंगे। कितना टाइम लगेगा भाई, पहुँचे नहीं अभी तक, पहुँच गए, चलो पहुँच गए। अभी अंकल से बात करते हैं। ठीक है,
हमें जाना है नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, और हम जाएंगे, तीन आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो हम इस वाले आइलैंड पे जाएंगे। ठीक है, तो हमें स्ट्रेट वहीं पे जाना है कि शिप को एक्सप्लोर करना है, ये नेवर माइंड। चलो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं शिप को, वैसे मेरा कोई मूड तो नहीं, फिर भी चलो देख लेते हैं क्या सीन है। एक मिनट, यहाँ पे आइलैंड्स हैं तो मैं पोकेमोन कैसे चूज़ करूँगा, और फोर्थ कैबिन में जाके हम रेस्ट कर सकते हैं। ओके, पर मेरे हिसाब से अगर हम आइलैंड्स की तरफ है तो पोकेमोन यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे हम, ताकि जल्दी पोकेमोन पकड़ेंगे, जल्दी ट्रेंड हो पाएंगे वो लोग। तो क्या सीन है भाई, यहाँ पे फाइट्स के सीन बन गए तो मैं क्या करूँगा यार। शायद बन सकते हैं यार, क्या करूँ मैं, दोबारा सोच लिया। चलो जाके देख ही लेते हैं। अरे ये बंदा फाइट करेगा, बस है ही इन्फरनैप है फिलहाल, तो हम अपने कैबिन में चलते हैं। पहले आसपास वाले कैबिन्स को चेक करते हैं हम लोग। मैं यहाँ से शुरू हो जाता हूँ भाई, हमारा फोर्थ है ना, ये फर्स्ट कैबिन है। चलो फर्स्ट कैबिन देखते हैं, यहाँ पे एक बंदा है, इससे हम बात कर लेते हैं। क्या इस बेड में हम सो सकते हैं? नहीं, इस बेड में है भी नहीं कुछ, हम कर सो भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, उनको ऑशन बहुत अच्छा लग रहा है, फैलीडेटर टेंटाक्रूज वो वगैरह वगैरह पोकेमोन्स हैं यहाँ पे वॉटर टाइप। ये सेकेंड कैबिन है, यहाँ पे जाकर देखते हैं। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। तो चलो हम थर्ड कैबिन में चलते हैं फिर, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, तो थर्ड कैबिन की बारी। थर्ड कैबिन में एक बंदा है, ये कुछ काम की चीज़ दे सकते हैं ना? इसके पास भी कुछ काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैबिन आने वाला है। हाँ, फोर्थ कैबिन में हमारा, यही हमारा कैबिन है फोर्थ, यहीं पे हमें जाना है, यहाँ पे हम बेड पे सो सकते होंगे। ओह यहाँ पे पीसी है, चलो मैं पोकेमोन ट्रांसफ़र कर लेता हूँ यार, पोकेमोन ज़्यादा बेटर रहेंगे अभी के लिए। और विड्रॉ करते हैं हम लोग, मैं यूज़ करूँगा अपना ड्रैगनियर, पकड़ा था ना पहले, ड्रैगनियर रख लेते हैं हम लोग, ड्रैगनियर रख लेंगे। और इसके बाद याबरा रख लेते हैं, मैं सब बेकार पोकेमोन रख रहा हूँ भाई, जो 5-5, 10-10, 20-20 लेवल के हैं। अब इसकी बारी, और इसके बाद मैं ये रख लेता हूँ, चलो टोकीप्री। क्या यार, मैं कौन से पोकेमोन ले रहा हूँ, क्या कर लूँगा इन पोकेमोन्स के साथ मैं अभी के लिए, पंगे ले रहा हूँ फालतू में। अगर कोई फाइट्स वगैरह लंबे फाइट के सीन बन के, सब कुछ इन्फरनैप पे है, उसके बाद इन्फरनैप ख़त्म तो पूरी गेम पलट गई हमारी। कोशिश मैं यही करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेवल गेन करूँ, ताकि तुम लोग सवाल ना पूछो भाई तुमने लेवल गेन कैसे किया, करना भी कैसे है। अभी हमें जो घास में फाइट्स होती हैं वही करनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल फाइट्स होंगी वो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुकी है लड़की, इससे हमें पहले भी मिल चुके हैं हम लोग जोटो रीजन के अंदर, तो अभी हमारे साथ फाइट करने के लिए आई है। चलो आ जाओ, इसके पास तो तगड़ी टीम होने वाली होएगी। हमारे पास ये भी लोलो पंजो टीम है भाई, क्या बोलूँ, किसी काम की टीम नहीं हमारी, सिर्फ में एक इन्फरनैप काम का है, और अगर इन्फरनैप गया तो पूरी टीम हमारी वाइप आउट हो गई। तो उसका पहला पोकेमोन आ चुका है, तो देखते हैं इन्फरनैप तुम कब तक टिके रहते हो, दिखा दो एक चैंपियन का पोकेमोन होता कैसा है, दो रीजन का चैंपियन। ठीक है, चलो इसको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम पहला यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रो, मेरे हिसाब से ये तो वन शॉट होएगी, इसमें इतना कुछ खास डिफेंस है नहीं बचने के लिए, ये तो वन शॉट हो ही जाएगी। सॉरी तुम वन शॉट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है इसका, इस पर गांचौम भी होगा मेरे हिसाब से, स्कार्मरी भी होगी। हाँ स्कार्मरी आ भी रही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ड्रैगन ईयर को रख लेता हूँ, शायद थोड़ा लेवल ही गेन हो जाए, क्या पता, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऑशोवॉर्ड और ड्रैगन ईयर दोनों को अभी इसी वीडियो से पहले, एंड होने से पहले मैं इवॉल्व करने वाला हूँ, सोचा है मैंने। टाइम लगेगा मुझे, और ये वीडियो थोड़ी लेट डालूंगा मैं, आगे कुछ 3-4 घंटे मुझे अपना दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। पर हाँ, लेवल तो गेन करना ही पड़ेगा, हमें दो पोकेमोन तो स्ट्रांग चाहिए, ताकि वो आसपास के कुछ ट्रेनर्स को पेल सकें, और मैं ज़्यादा लेवल नहीं गिन पाऊँगा, मतलब 70-80 तो भूल जाओ कि अभी होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको, तो 2-3 वीडियो लग सकती है। बाकी मेरे हिसाब से घास पे अराउंड 60 लेवल के पोकेमोन आराम से मिल सकते हैं, तो उनसे ही फाइट करके, उनको ही डिफीट करके मैं लेवल गेन करूँगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो उसका आर्मरी तो पूरी गई, इसके पास शायद ट्रियानिटार भी होगा, शायद मे बी, श्योर नहीं था इसके पास कि नहीं, पर होना चाहिए ट्रियानिटार मेरे हिसाब से, बाकी देख लेते हैं। ओ यार, इसका वही पोकेमोन जो मैं सोच रहा हूँ, ट्रियानिटार आ रहा है। चलो मैं इन्फरनैप को ही रखता हूँ, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक ज़्यादा हमने हिट्स ले लिए तो लेवल तो बड़े ना बड़े हम पिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब इसका एडिशनल डैमेजेस पड़ेंगे ये रेंज की वजह से, जो सैंड स्टॉर्म छोड़ दिया इसके पर, वैसे भी गांचों पड़ा है तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और शायद ट्रियानिटार के बाद वही पोकेमोन यूज़ करे, दिमाग पूरा लगा रहा है बंदा या बंदी। सुपर पोशन, सॉरी सुपर पावर, तो इससे तो ये वन शॉट हो जाएगा ना, तो मुझे भरोसा, तो सुपर पावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फाइटिंग मूव वो भी बड़ी मस्त वाली फाइटिंग मूव है इसका है। चलो देखते हैं कि लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट होगा ये इसका, मे बी ये होगा, गांड शॉप होगा इसका भाई, यही वही होगा, देख लेना, चांसेस हैं वही है। इसके दो लास्ट पोकेमोन का कोई आइडिया नहीं मुझे अभी फ़िलहाल कि क्या आ सकते हैं, ये है भी ड्रैगन टाइप,
अब तो इस पे फायर टाइप मूव किया नॉट वेरी इफेक्टिव है, तो पूरा टाइम वेस्ट है, मैं सुपर पावर ही करने वाला हूँ। लगता है तो ठीक है, वन शॉट हो जाए ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हम खुद वन शॉट होने वाले हैं यहाँ पे। सुपर पावर कर दो, देखते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे। हम वन शॉट होते हैं कि ये वन शॉट होती है। अरे वाह, ये तो पूरी गई। चलो आप देखते हैं कि इसका सेकेंड लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। मे बी वो ग्रास टाइप होने वाला है शायद, या फ्लाइंग, क्या लगता है? किंग्रा। इस पर भी मेरे हिसाब से सुपर पावर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फायर टाइम मूव किसी काम के नहीं है, और ड्रैगन टाइम मूव करूँ इफेक्टिव है, पर अभी पोकेमॉन हमारा लेवल गेन अच्छा नहीं है, तो वो तो वन शॉट हो जाएंगे। दो यार बफ के डैमेज फिर पड़े हमें, इसको भी डैमेज पड़ेगा, चिंता मत करो। चलो अब हमारी बारी, शायद इसकी एक हेल्थ कम हुई है तो हमें एडवांटेज हो इस बार कि हाँ शायद उसकी हेल्थ बच सकती थी इस अटैक से, पर वो भी नहीं बचेगी अब जिस कोई भी बफ का डैमेज हल्के से पड़ गया ना सैंड का। चलो ये भी गई, किंड्रा भी ख़त्म है यहाँ पे। बहुत अच्छा यार, 92-94 हेल्थ है हमारी और हमने इसके 5 पोकेमॉन ख़त्म कर दिए, तो इसको कहते हैं भाई चैम्पियन। देखते हैं अब इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। लास्ट पोकेमॉन है अपसोल। अपसोल फ्लेम थ्रो काफ़ी होगा अपसोल के लिए, क्या लगता है? अपसोल डार्क टाइप, नॉर्मल और डार्क टाइप है अपसोल ना, मे बी। चलो देखते हैं। ओह नो, 82 हेल्थ बची है मेरे पास सिर्फ। ये तो एक अटैक से चला जाएगा, एक थोड़ा मतलब लो अटैक भी होगा तब भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये कोई होगा हल्का सा भी तब भी पूरा गया। अरे भाई शुक्र है इन्फरनैप, तूने सबको पेल डाला, क्या बात है, क्या बात है इन्फरनैप, गुड जॉब इन्फरनैप। और इसी के साथ हमें मिल चुके हैं हमारे पैसे, और अब ये जाने वाली है अपनी नेक्स्ट जिम के लिए। नेक्स्ट, ओ ये कर रही है ये क्या था, पीछे को मून वॉक करवा रही है हमसे। चलो यार मैं थोड़ी लेवल गेन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं वापस आ गया। मैंने कुछ लेवल गेन किए पर मैं ज़्यादा लेवल नहीं गेन कर पाया, मैं सिर्फ 2 ही पोकेमॉन के लेवल गेन कर पाया, एक तो अपना आशावॉट का, एक अपना ड्रैगनाइट का। हाँ दोनों विकसित हो चुके हैं, अब ड्रैगनाइट है वो अपने में इवॉल्व हो चुका हुआ है, तो अब हमें वो 2 पोकेमॉन इवॉल्व है। यहाँ पे नॉर्मली जाते सारे फायर टाइप पोकेमॉन आ रहे हैं इस आइलैंड पे, तो मैं इसको नहीं पकड़ रहा था पोकेमॉन्स को। शायद नेक्स्ट आइलैंड में हमें कोई अच्छा पोकेमॉन देखने के लिए मिल जाए अलग टाइप का, तो मैं शायद उसे पकड़ लूँ, नहीं तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो पोकेमॉन बचे हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। अभी न्यू आइलैंड से तो हम आए थे, ये नेक्स्ट आइलैंड है, इसके आगे ये वाले आइलैंड्स हैं यहाँ पे थोड़े से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, करतीबन 6 से 5 आइलैंड्स हैं जाने के लिए। तो ठीक है फिर यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।